एक हिजाबी सिस्टर कहती मैं नमाजी हूँ, पता नहीं शी वाज हाफिज़ एज वेल और सब कुछ, कहते हैं सब छोड़ दिया है, BTS नहीं छूट रहा मुझसे। आपको मैं स्ट्रेंज बात बताऊं, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जो हमारे घर में मेड आती है ना, उसके व्हाट्सएप स्टेटस में K-pop लगा। अच्छा ब्रो, मैं आपको ना एक और स्टोरी बताता हूं। हम कहां खड़े हैं ब्रो? नहीं, एक और स्टोरी बता। लोग कहां से कहां निकल गए अब यार। अब ये जो भी लोग K-pop सुन रहे हैं ना, इनको दे डोंट नो द डार्क रियलिटी ऑफ इट, कि व्हाट आर दीज पीपल डूइंग बिहाइंड द डोर, यू नो, क्लोज डोर्स। अब ये किम जोंग है, आई डोंट नो, ये भी बड़ा मशहूर था, इसके वाइट बाल गालिबन, लिटरली दीज आर हिज वर्ड्स, कहते हैं आई एम ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड और दिस डिप्रेशन हैज फाइनली इनगल्फ्ड मी एंटायरली, और फिर कहते हैं कि आई वाज सो अलोन, आई मीन लिटरली, यानी इट्स सो तरस ही आता है ना ऐसे लोगों के ऊपर, और एंड में कहते हैं इस दुनिया से जाने से पहले प्लीज टेल मी आई डिड अ गुड जॉब, कि मैंने अपनी जिंदगी को जाया नहीं किया, प्लीज मेरी अप्रिसिएशन कर दो थोड़ी बहुत। और उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी और ही डाइड इन दी होटल, यानी अपनी तरफ से ये होटल में रहते हैं और यू नो दे लिव देयर लाइव्स इन लग्जरीज। द पॉइंट इज कि देखो, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो इश्यूज होते हैं ना, वो कॉमन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नजर आए ना कि यार जो भी लोग म्यूजिक करते हैं और वो किसी पिनेकल पे पहुंचते हैं, why do we see this pattern ki a lot of these people are tend towards suicide, drugs, matlab wo apne aap ko khatam kyun karte hain? Hamare ulama kehte hain na ki shaitan ka jo quran hai wo music hai, aur agar aapke dil mein, agar aapke dil mein shaitan ka quran hai to hamara jo asal quran hai uski jagah nahi bilkul qayyum ka hai ye unhi ke dil mein ya to music ya fir quran ye unhi ke it could be either one of them, can't be both. wo ayat hai na quran ki ma gharraka bi rabbikal kareem, tujhe apne kareem rab se K-pop ne BTS ne gumrah kiya hua hai, allah theek hai, pink and black ek unka korean brand hai usne gumrah kiya hua hai tujhe, kisi musician ne, Amy Winehouse ne, Justin Bieber ne tujhe, ma gharraka bi rabbikal kareem, tujhe tere kareem se kis zaat ne, kis आइकॉन ने, किस बैंड ने तुझे गुमराह किया है।